Hello students, today we will discuss principle of superposition. So first see the definition. This principle states that when a number of forces are interacting, then the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all other charges. The force between the two charges is not affected by the presence of other charge. Means, let me make diagram. Suppose here large number of charges are interacting. हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा कि दो चार्ज के बीच में फोर्स, बट हियर वी विल डिस्कस लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज आर एग्जर्टेड ऑन ए सिंगल चार्ज. ओके, सो लेट अस मेक द डायग्राम एंड देन डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज. ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट चार्ज. दिस चार्ज इज Q1. इट इज एट ए डिस्टेंस R1 from the origin, or we can say from the frame of reference, yeah, origin se. And this is the second charge, Q2, is at a distance of R2 from the origin point. Okay, and let us, this is the third charge, Q3, at a distance of R3 from the origin O. Clear? So these charges are separated by distances, like this is R12 vector, this is R13 vector, position vector. Okay, so यहाँ पर हम ये discuss कर रहे हैं कि जो first vector है उसके ऊपर सभी जो charge हैं उसकी force exert हो रही है. ठीक है, जैसे second charge first charge के ऊपर force exert कर रहा है, that force is, let us, this force is F12, force on first charge due to second charge, and force on first charge due to third charge. Clear? And we can say this is the resultant force, F1 force. This is the F1 force, means this is the resultant force on charge of charge Q1. Okay, so yahan pe hum kya karenge abhi? यहाँ पे हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे पहले, कि एक अकेले चार्ज के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ जो चार्जेज हैं उनकी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, और उस अकेले चार्ज की जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस. ठीक है, और एक और बात हमने यहाँ पे अभी देखा कि जो आपके पास दो चार्ज है उसके बीच में, जैसे ये लाइन लिखी है मैंने, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज नॉट अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज. मीन्स इन दोनों के बीच की जो फोर्स है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाई द अदर चार्ज. So let us come to the expression. Let us consider large number of point charges jo ki kya hai. This is Q1 charge, Q2 charge, Q3 charge, and so on Qn charge. Means yahan pe bahut sare, वी हैव टेकन ओनली थ्री चार्ज, पर यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं अप टू एन टर्म. ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो इन दो आपस में जो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R12 इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, R13 इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q3. मीन्स पोजिशन वैक्टर का मतलब है कि जो सेकेंड वाला चार्ज है वो फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है. R12 indicating that second charge is exerting on charge first. Similarly, R13 showing that force on first charge to third charge. So by applying the law of superposition, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सो टोटल फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एग्जर्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज. ओके, सो दिस इज द फोर्स F12 प्लस फोर्स F13 अप टू सो ऑन प्लस F1N. मीन्स यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप ऑल स्टूडेंट्स दे आर बीटिंग अ सिंगल चाइल्ड, वो सारे के सारे बच्चे एक बच्चे को मार रहे हैं, तो वो बच्चा इतना शक्तिशाली है कि वो ऐसे करके उनको
फेंकता है, मीन्स कि उसकी अकेले की फोर्स उन सब बच्चों के बराबर की फोर्स के बराबर है. ओके, सो हेयर वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज 1 बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ. वी कैन राइट हेयर ऑन अप्लाइंग कूलम्स लॉ. यहां पे हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे क्योंकि कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच की जो फोर्स है दैट इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इज यूज टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. पर अगर बहुत सारे चार्ज इंटरेक्ट कर रहे हैं देन वी विल नॉट, कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. देन वी नीड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो उसको फाइंड आउट करेगा उसी टॉपिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में. क्लियर? सो दिस इज ऑन अप्लाइंग कूलम्स लॉ द वैल्यू इज, दिस इज द टोटल फोर्स एंड द वैल्यू इज F12 दैट इज 1/4πε0. अब देखिए इस चार्ज और Q1 और Q2 के चार्ज के बीच में क्या जो फोर्स दैट इज Q1 है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 एंड R12 इज द यूनिट वेक्टर. ये देखिए आप डिस्टेंसिस के बीच में R12 है और कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ स्टेट दैट इट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और इन वेक्टर फॉर्म में R यूनिट वेक्टर. तो वही मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड R1 इज द पोजिशन वेक्टर. क्लियर? सो दिस पोजिशन वेक्टर इज R12. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, पहले हम F1 मीन्स दिस इज F12 की वैल्यू ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले, उसके बाद हम इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो पहले मैं F12 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे बाई अप्लाइंग द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इसमें यूज करेंगे हम. ठीक है, ये देखिए आप ये जो वेक्टर हैं ये एक ऑर्डर में, जैसे ये देखिए O टू A, लेट अस दिस इज A, दिस पोजिशन इज B एंड दिस इज C. सो O से A तक जो वेक्टर है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ टच कर रहा है और यहाँ जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो जो आपके पास सेकंड वेक्टर जो कि ऑर्डर में है उसके टिप के साथ वो मीट कर रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज O टू B. सो यहाँ पे क्या है, जो आपके पास ऑर्डर में वेक्टर है दैट इज, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज बाई अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाई अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दैट सेज दैट इज ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वैक्टर. जो वैक्टर ऑर्डर में है उनका जो सम है दैट इज रिजल्टेंट वैक्टर के बराबर. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट R12 वैक्टर, मीन्स हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज R2 वैक्टर प्लस R12 वैक्टर इज इक्वल टू R1, ये देखिए आप R1 वैक्टर, ये वाला डिस्टेंस. इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है R12, वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज R12. तो हमें R12 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट, या वी विल राइट दैट इज R1 माइनस R2 वैक्टर. सो दिस वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट हेयर दैट इज R1 माइनस R2 वैक्टर होल स्क्वेयर एंड R1 माइनस R2 वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, मीन्स अ वैक्टर इज डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज हेयर आई कैन राइट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. या दिस इज फॉर्मूला ऑफ यूनिट वैक्टर, अ वैक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, अ वैक्टर इज डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, R12 या आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको. सो हेयर दिस इज द वैल्यू ऑफ F12. सिमिलरली नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग दिस F12. सिमिलरली F13 भी वैल्यू भी ऐसी आएगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू दैट इज ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ F12 वेक्टर या F12 फोर्स, F13 फोर्स एंड सो ऑन F1nth फोर्स, मीन्स जो आपके पास F12 है, F13 है और F1 जो फोर्स है, जो फर्स्ट वेक्टर के ऊपर जो पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, पॉइंट चार्जेस की वजह से, उसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे. तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, F1 वेक्टर इज इक्वल टू, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, 1/4πε0 Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू वैक्टर, इसका क्यूब कर लेंगे हम यहाँ पे। देखिए अब आर वन माइनस आर टू स्क्वेयर और आर वन माइनस आर माइनस आर वन वैक्टर माइनस आर टू, तो इसका क्यूब हो जाएगा और ऊपर आपके पास बचेगा आर वन माइनस आर टू वैक्टर। क्लियर। सिमिलरली ऑन सब्सिट्यूटिंग दिस वैल्यू एफ वन थ्री, एफ वन थ्री इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, आप क्यू टू की जगह आपके पास क्यू थ्री, मीन्स इन दोनों चार्ज के बीच की जो फोर्स है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस क्यू वन एंड क्यू थ्री, दैट इज क्यू वन अपॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर थ्री वैक्टर और इसका क्यूब, आर वन माइनस आर टू आर वन माइनस आर थ्री का क्यूब इन टू आर वन माइनस आर थ्री वैक्टर। क्लियर। सिमिलरली अप टू सो ऑन, लास्ट में आपके पास क्या आएगा, एफ एंथ, जो लास्ट जो फोर्स है आपके पास एंथ पार्टिकल की वजह से, दैट इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन क्यू एन अपॉन आर वन एन आर वन माइनस आर एन क्यूब और ऊपर आ जाएगा आर वन माइनस आर एन वैक्टर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल टेक कॉमन पॉइंट, वी विल टेक कॉमन पॉइंट दैट इज एफ वन इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आपके पास, वन वन दिस इज अ कॉन्स्टेंट टर्म वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन, यहाँ भी वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये देखिए आप वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और देखिए क्यू वन वैक्टर क्यू वन जो चार्ज है वो भी है, इसमें भी है सेकेंड में और थर्ड वन में भी, तो ये चीज़ मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, दैट इज वन अपॉन या क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और बाकी की सारी टर्म कैसे आ जाएगी आपके पास, ये टर्म अंदर आ जाएगी, दैट इज क्यू टू अपॉन आर वन माइनस आर टू वैक्टर या क्यूब, आपकी आर वन माइनस आर टू क्यूब इन टू आर वन माइनस आर टू वैक्टर प्लस क्यू थ्री, देखिए ये कॉमन आ गया आपके पास दीज टू टर्म्स वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू वन, तो आपके पास क्या बचेगा, रिमेनिंग आर वन माइनस आर क्यू वैक्टर और आर वन माइनस आर थ्री एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वन इज क्यू वन आपके पास बाहर आ गया एंड रिमेनिंग क्यू एन अपॉन आर वन माइनस आर वन आर एन क्यू और आर वन माइनस आर एन पोजिशन वैक्टर। क्लियर। आप देखिए ये आपके पास रिजल्ट आ गया, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास जो क्या रिजल्ट आएगा, नाउ द टोटल फोर्स इज एफ वन इज इक्वल टू क्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड समीशन फ्रॉम आई फ्रॉम टू टू एन, मीन्स यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर, आई इज इक्वल टू टू थ्री फोर अप टू एंथ टर्म, सो क्यू आई इज टेकन ऑलरेडी आउटसाइड, सो डिवाइडेड बाई आर वन माइनस आर आई क्यूब इन टू आर वन माइनस आर आई, सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, हियर यू कैन सी हियर दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ वन टू एंड एफ वन थ्री फोर्स, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड एंड फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड एंड दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एफ वन, सो एफ वन इज इक्वल टू दिस टर्म, सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट शॉर्टली इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।